नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश की सीतापुर जेल में बंद समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान की लखनऊ के मेदांता हॉस्पिटल में हालत बिगड़ गई है। उन्हें वेंटिलेटर सपोर्ट पे रखा गया है और डॉक्टरों ने अगले 3 दिन तक उनके हालत को क्रिटिकल बताया है कि उन पर लगातार नज़र रखी जा रही है और दिक्कत काफ़ी बढ़ गई थी, तभी जा करके उनको वेंटिलेटर पर ले जाया गया। अब इसके बाद से समाजवादी पार्टी के जो बड़े नेता हैं रामगोपाल यादव, उन्होंने वो ट्वीट करके मामले को गर्मा दिया है। ट्वीट में उन्होंने बद्दुआएं दी है, किसको? उत्तर प्रदेश के शासक यानी कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को। वो कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में निकृष्टतम शासक का राज्य है, आजम खान जैसे नेता को अकारण जेल में रखा गया और उन्हें समुचित इलाज की अनुमति नहीं दी गई, इससे ज़्यादा निचता की पराकाष्ठा और कुछ नहीं हो सकती। मेरे जैसे लाखों लोगों की बद्दुआएं हैं कि ऐसे लोग नरकगामी होते हैं। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि ये श्राप वो किसको दे रहे हैं? स्वाभाविक सी बात है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं, बेशक उनका नाम नहीं ले रहे हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश के शासक की तरफ यदि इशारा कर रहे हैं तो उन्हीं को कह रहे हैं। आजम खान का पूरा मामला ये है कि पति, पत्नी और बेटा तीनों जो है जेल में है। बाद में पत्नी को जमानत मिल गई थी, तंजीन फातिमा को, वो बाहर आ गई, लेकिन जो बेटा है अब्दुल्ला आजम और आजम खान, ये दोनों सीतापुर जेल में बंद थे। 30 अप्रैल को दोनों की टेस्टिंग हुई, उसमें 13 कैदी जो है कोरोना पॉजिटिव निकले, जिसमें ये बाप बेटे भी पॉजिटिव निकले। फिर इनकी थोड़ी हालत ख़राब हुई तो कहा गया किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज में भर्ती हो जाइए, वहाँ इलाज चलेगा, लेकिन आजम खान ने लखनऊ जाने से मना कर दिया था। लेकिन बाद के दिनों जब हालत बिगड़ी तो उन्हें जो है लखनऊ के मेदांता हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। उनको काफ़ी राजी करने में अधिकारियों को पसीने छूटे कि नहीं, आप ऐसा मत कीजिए। फिर वो अस्पताल जाने को तैयार हुए, अस्पताल में उनका इलाज चल रहा है, लेकिन डॉक्टरों ने हालत क्रिटिकल बता दी है। इसी को लेकर के समाजवादी पार्टी के नेता अब बिफर रहे हैं कि क्या आजम खान की हालत ख़राब होने के बाद लखनऊ ले जाया गया, क्या पहले उनके स्वास्थ्य पर ध्यान नहीं दिया गया, क्या पहले ही उनको कोरोना हो गया था, उनका स्वास्थ्य गिर गया था, के बावजूद जेल प्रशासन जो है अनसुना करता रहा। ये बहुत सारी बातें हैं। आजम खान के ऊपर जमीन कब्जाने से लेकर के बहुत सारे मुकदमे हैं और पति, पत्नी, बेटे तीनों पे है। ये आजम खान को जब से योगी सरकार आई है तब से जो है मुकदमों का अंबार लग गया था, चारों तरफ से उनको घेर लिया गया। अब वो इतने सारे उनके मामले हो गए हैं कि एक मामले में जमानत मिलती है तो दूसरे में नहीं, दूसरे में मिलती है तो तीसरे में नहीं, और इस तरह से वो लंबे समय से जेल में है। तो हम सबकी तो खैर यही रहती है, हमेशा कोई भी हो, कोई बीमार पड़े, कोई संकट में आए, कि वो जल्दी से जल्दी संकट से निकले। लेकिन डॉक्टर कह रहे हैं, ज़रूर कह रहे हैं कि अभी इनके सख्त जो है इनके इलाज की ज़रूरत है, अच्छी इलाज की ज़रूरत है और निगरानी की ज़रूरत है, जो कि की जा रही है। लेकिन समाजवादी पार्टी के नेताओं को लगता है कि उनका इलाज ठीक से नहीं चल रहा है। जैसे इसको लेकर के कोई अपडेट मिलेगा आपसे साझा करेंगे। आप रहिए ना बेखबर, देखते रहिए इन खबर। थैंक यू।